आज जो संघ है कैंपेन हो रहा है जो गवर्नर साहब ने बोला था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शंस नहीं चाहते हैं, ये कैंपेन उसी के लिए हो रहा है। हम लोगों की राय ले रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये उसी के लिए हमने सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी अपनी राय दे दे। बिकॉज हमारा जो हिंदुस्तान है वो कुछ इस पे पॉइंट्स पे टिका हुआ है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जी, हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए पीपल का वर्डिक्ट तब आता है जब इलेक्शंस का बिगुल बजता है, और जब इलेक्शंस का बिगुल बजता है तो लोग सारे निकलकर अपने विचारधारा को चला के अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, अपने फ्री विल से उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो उनके हित में, जो उनके पॉलिसीज में, जो मुल्क की पॉलिसीज है, जिसकी बुनियाद हमारे महात्मा गांधी जी ने डाली है, नेहरू जी ने डाली है, गांधी खानदान ने डाली है, उसको कंसोलिडेट करना है। तो इसलिए इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन में एटलीस्ट हम ये बयान कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से आप लोगों के विचार को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, पार्लियामेंट में कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको हम एनेक्ट करेंगे लोगों के तहफुज के लिए, लोगों के सेफगार्ड के लिए, ये बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है जितनी जल्द इलेक्शन हो जाए उतना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कुछ इसमें कुछ ऐसे मामला बीच में आते हैं तो मैं समझूंगी ये डेमोक्रेसी पिलर ऑफ द, जो हम कहेंगे ये जो इलेक्शन है डेमोक्रेसी का एक पिलर है, इसको ये वीकन कर रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 80% ऑफ द पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे डोंट वांट इलेक्शंस एट ऑल, वो यहाँ पे इलेक्शंस के बगैर ही खुश हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो सिग्नेचर कैंपेन ये हम लॉन्च कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हर किसी कोने में हम जाएंगे और हर किसी कोने में हर किसी व्यक्ति से हम लिख के लाएंगे, सिग्नेचर कलेक्ट करके लाएंगे और LG साहब को मिरर दिखाएंगे यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं। उपड़ा साफ होगा, कोई सीट उनको नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो यहाँ का यूथ है उनको एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ की यहाँ पर भाजपा ने जो यूथ को है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसको मतलब काफ़ी हाई किया हुआ है। अगर हम पूरी इंडिया में देखेंगे, पूरे इंडिया में हरियाणा के बाद अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी यूटी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है। सो कांग्रेस पार्टी का ये प्रायोरिटी रहेगा, सबसे पहले हम यूथ को ही यहाँ पे एडजस्ट करेंगे।